मनारा और मुनाफर। जैसा कि हम सबको पता है कि बिग बॉस के ये दो बहुत ही ज्यादा फेवरेट कंटेस्टेंट है। मनारा की अगर बात की जाए तो बिग बॉस बैक टू बैक उसे कहीं ना कहीं बायस तरीके से ट्रीट करते हैं, और मुनाफर तो यस ऑफ कोर्स उनके स्पेशल स्टूडेंट है और बिग बॉस ने बार बार ये बात बोली है। अब जनता क्या कहती है कि क्या मुनावर का हो रहा है इस्तेमाल? क्योंकि भाई मैं तो अपने रिव्यू में यही बात कहते हुए आया हूं कि बैक टू बैक मुनावर का इस्तेमाल किया जा रहा है मनारा को टॉप फाइव में पहुंचाने के लिए, अदरवाइज मनारा अपने दम पे नहीं जा सकती। लेकिन जनता इस बारे में क्या कहती है, जनता क्या सोचती है, आप जानना चाहते हैं? तो चलिए आपको इस जर्नी पे लेके जाता हूं। मैं राहुल बोझ, स्वागत करता हूं आपका चैनल टेली खजाना में। चैनल को सब्सक्राइब करें। जनता जनार्दन होती है और जनता की सोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और ऐसे में हमारे होनहार रिपोर्टर पहुंच गए जनता के बीच में, जहां पे उन्होंने जनता से पूछ दिया सवाल कि आखिरकार मुनावर क्या इस्तेमाल हो रहा है बाय मनारा। तो चलिए इस वीडियो को आगे तक देखिए। बिटवीन मेरा नया चैनल राहुल भोज कॉमेडी है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्या आपको लगता है कि मनारा मुनावर का गेम खराब करिए पूरी तरह से? हाँ, मतलब पूरी तरह से तो नहीं, पर मुनावर का अपना मास्टरमाइंड है, वो अपना गेम खेल रहा है, बट मुनावर मनारा की वजह से उसके गेम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। अगर वो इंडिविजुअली खेलता है ऐसा मुझे लगता है कि और ज़्यादा वो दिखता, कहीं ना कहीं वो फ्रंट फुट पे बोलते हैं ना, वो नहीं आ पा रहा है मनारा के। और प्लस वो मनारा को अपने साथ लेके स्टार्टिंग से मुझे ऐसा लग रहा है वो टॉप फाइव में भी लेके जा सकते हैं। अगर और मनारा का जैसे गेम की बात करें तो उनका कोई इंडिविजुअल गेम तो है, वो कभी इसके साथ कभी इसके साथ, मोस्टली मुनावर के साथ। जैसे मुनावर ने स्टार्टिंग में उनसे वापस तक मांग ली अपने, जबकि मुनावर की वहाँ पे गलती भी नहीं थी। तो ऐसा लग रहा है कि मुनावर मतलब इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा कर रही है मनारा। और अगर मैं सजेशन देना चाहूँ तो मुनावर को मनारा को थोड़ा सा साइड में रख के अपने गेम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसा भी लगता है कि मनारा मुनावर को धोखा दे रही है? देगी गेम के लिए वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी अपने लाइफ पे बात करते हुए सुना था अनुराग को कि मतलब मुनावर मनारा का जो भी था, अनुराग उनको बोल रहा कि तुम मुझसे दोस्ती कर रही हो, मुनावर को गेम खेलने दे, मुनावर गेम के लिए तुमसे दोस्ती कर रहा है। सो अगर अनुराग से वो इन्फ्लुएंस होती है मुनारा, तो कहीं ना कहीं वो मुनावर को गेम के लिए धोखा दे सकती है, मुनावर को छोड़ के अनुराग के साथ खेलेगी। और हो सकता है, पर वो मुझे लगता नहीं कि छोड़ेगी, क्योंकि उनके कैसे दोस्ती की वजह से वो आगे तक आई है मुनावर की वजह से। क्योंकि सबको पता है कि मुनावर बहुत ज़्यादा फेमस है बाहर, और सेलिब्रिटीज़ में भी बहुत उसको सपोर्ट मिल रहा है। तो मुझे लगता है मुनारा छोड़ेगी तो नहीं, पर गेम के लिए कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर धोखा दे सकती है। आपको क्या लगता है कि मनारा मुनावर का गेम खराब करी या अपनी दोस्ती निभाने की कोशिश करी जैसा वो कहती हैं? नहीं, मनारा की साइड से तो मैं मुनावर का दोस्ती का मैं जो हिंट होता है ना वो देखने को नहीं मिलता। हालांकि मनावर के और मनारे के प्रति दोस्ती दिखता है। हाँ, वहीं पे अगर बात करें जब टेंशन आता है तो मनारा ज़्यादा घबरा जाती है, ना उनको टेंशन हो जाता है। जैसे अरुण को लेके हुआ था, अरुण ने उनको नॉमिनेशन कर दिया, तो जब अरुण ने मनारा को नॉमिनेट कर दिया था वहाँ पे बैक सपोर्ट के लिए मुनावर खड़े थे उनके साथ में। कहीं ना कहीं चूंकि होता है वहाँ पे मुनावर हमेशा बैक सपोर्ट के लिए मनारा के लिए खड़े हो जाते, चाहे वो किसी से भी लड़ाई हो। यहाँ तक कि जब अंकिता और मुनावर का भी बॉन्डिंग होता है, पर अंकिता कुछ भी बोलती है ना मनारा को, बट वहाँ पे मुनावर एक खड़े रहते हैं बैक सपोर्ट के लिए। हालांकि अंकिता को समझाते हैं, बट वो पॉइंट ऑफ व्यू जितना ना सर मनारा के ही लिए, कि मनारा गलती से निकला रहेगा, कुछ उसकी भी गलती रहती, बट कहते कि गलती से निकला रहेगा। ये कहीं ना कहीं जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मनारा मुनावर की प्रति दिखता है, बट कहीं ना कहीं जो मनारा मुनावर की उतना फ्रेंडली नहीं दिखाती, लगता है कि कहीं ना कहीं वो उनका यूज़ कर रही है, जो सबसे बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि ना मेरे को तो अभी तक जो दिखा है उसमें तो इतना नहीं दिखा है कि मनारा ने मुनावर के लिए कभी स्टैंड लिया हो। हालांकि ये देखने को मिला हमेशा कि वो हमेशा बैक पिचिंग कभी ना कभी कभी कर देती है मुनावर का। हालांकि मुनावर जो इन छोटी मोटी बातों को उतने दिल से नहीं लगाते हैं फिलहाल। सुन लिया आप लोगों ने, क्या कहती है जनता? जनता ने बोल दिया है कि हाँ भैया ये बात तो फैक्ट है, और कहीं ना कहीं वो खेल के अनुसार चीजें लग रही हैं। बिग बॉस की गोद ली हुई बेटी कही जाती है मनारा, सोशल मीडिया पे चारों तरफ यही चर्चा है। लेकिन अब यहां पर मेन इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि मुनावर इसमें इतना इनोसेंट क्यों बने हुए हैं? क्या मुनावर को वाकई में गेम समझ नहीं आ रहा है मनारा का, या फिर वो सारी चीजें समझ कर भी अनजान बन रहा है? वेल, मुनावर के लिए हम तो यही कहेंगे कि मुनावर आप
स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, अकेले खेल सकते हैं, लॉकअप की तरह गेम अपना दिखा सकते हैं, बट कहीं ना कहीं मुनावर इसमें ऐसा लग रहा है जैसे वो पीछे हट रहा है, राइट? भाई हमें तो लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में जाएं, इस बारे में बताएं कमेंट करके, राइट? और बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें आपका फेवरेट चैनल टेली खजाना, इसी तरीके के और पब्लिक रिव्यूज आप तक पहुंचाता रहूंगा, ये मेरी गारंटी है चैनल टेली खजाना में। बाय बाय।